2019 के स्वागत के लिए सोमवार से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। कहीं तेज म्यूजिक के साथ मस्ती पर तो कहीं पिकनिक की तैयारी थी। आधी रात को घड़ी की सुई के 12 पर पहुंचते ही आतिशबाजी के बीच 2019 के अभिनंदन की गूंज शुरू हो गई। देर रात तक पार्टी और मौज मस्ती का दौर चला। मंगलवार को सुबह से ही सड़क पर युवाओं की चहल पहल बढ़ गई। उपहार के माध्यम से नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए फूल, कार्ड व गिफ्ट की दुकानों पर भीड़ रही। शहर के होटल व रेस्तरां में सुबह से नए वर्ष के आगमन के लिए तैयार थे। काफ़ी संख्या में लोग दोस्तों व परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए महानगर के नौकायन व अंबेडकर पार्क पहुंचे और खूब मौज मस्ती किए और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं व बधाई दी। इस दौरान गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अंशिका पाठक, प्रेमलता, नमिता, शिखा, दीपशिखा सिंह, वर्तिका श्रीवास्तव, आंचल बिंद्रा, रवि, अर्जुन वर्मा, अरुण सिंह ने कहा। उसमें ज्यादा लिखिएगा। Thank you.
गोरखपुर में हुई। नए साल में वैसे तो फिलहाल सबको बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ नए साल की। और हम लोगों को उम्मीदें तो फिलहाल नौकरी की है, ज़रूरत है जो बेसिक नीड, क्योंकि नौकरी से ही सारी शुरुआत होनी है, अपना जीवन यापन ही चलना है। और रहा बात सरकारी जो उथल पुथल चल रही हैं, भ्रष्टाचार का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरीके से एक बढ़िया समय आएगा। जो गोरखपुर का जो डेवलपमेंट दिख रहा है आज के समय में वो और बढ़िया ही दिखेगा आगे। और हम चाहेंगे कि यंगस्टर जो खासकर यहाँ हैं वो एक सही दिशा पकड़ें और सही राह पे चलें। और नए साल के लिए फिर से मैं एक बधाई दूंगा आप सभी को, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। करुणा शर्मा, बहुत सेलिब्रेट किया, बस अभी पार्क में घूम रहे हैं, प्लस आज बर्थडे भी है मेरी फ्रेंड का और न्यू ईयर पार्टी है, तो दोनों सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत एंजॉय किया। हाँ, फ्रेंड्स, सारी फ्रेंड्स आई हुई हैं। दीपशिखा सिंह, यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि यहाँ की जनसंख्या, पब्लिक इतनी एक्साइटेड है, जो कि देखने से ये लग रहा है कि उन सभी को देखने से लग रहा है कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें न्यू, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग लोग देखने को मिल रहे हैं, जो कि हर तरह के हैं, ट्रेडिशनल भी हैं और हर तरह के लोग मुझे दिख रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। नबील कहाँ है भाई? नाका भी है, नाका भी है। क्या करते हो आप? पढ़ते हैं। बोलो, पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। आज क्या है? फर्स्ट जनवरी। फर्स्ट जनवरी। हैप्पी न्यू ईयर। आचल बिंद्रा कहाँ है भाई? घूमने। नौका बिहार। क्या है आज? हैप्पी न्यू ईयर, फर्स्ट जनवरी। फैमिली के साथ कर रहे हैं और उम्मीद तो मतलब बाकी नए साल में नई उम्मीदें बहुत सारी हैं। ओके, बोलो बस। शिखा कुमारी, हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब यही उम्मीद है कि सब बहुत बढ़िया और सबका मंगलमय हो सबका जिंदगी। प्रेमलता शर्मा, नए साल का उम्मीद है कि हर साल इस साल की तरह, हर साल अगले साल की तरह मतलब अच्छे से आए और सब लोग इंजॉय करें, हर घर में खुशियाँ हो, सबके जीवन अच्छे से व्यतीत हो। और मेरी पूरी फैमिली आई है मोहल्ले की, सब इंजॉय कर रहा है। उम्मीदें यही हैं कि हमारा शहर है ये आगे जाएगा, योगी जी हमारे शहर को डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं और भी खूबसूरत बनेगा। हम लोग आए हुए हैं यहाँ मनोरंजन के लिए आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं और क्या। नए साल की उम्मीद बहुत सारी है सरकार से, पर स्पेशली मैं सुबह माँ पा का पैर छू के नए साल का आरंभ किया हूँ। और मेन उम्मीद तो यह है सरकार से, बहुत अच्छी उम्मीद है कि इस साल मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, इनसे ज़्यादा उम्मीद है कि गोरखपुर वाले जितने हैं उन योगी जी उनके लिए अच्छा कार्य करेंगे, स्पेशली स्पोर्ट्स, स्पेशली बास्केटबॉल। यहाँ की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, पर इसको दुरुस्त करने के लिए योगी जी मैं से हार्दिक
एकदम गुजारिश करूंगा कि कृपया बास्केटबॉल खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करें और उन पे कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। अंशिका पाठक, नए साल पे हमारी ढेर सारी उम्मीदें होती हैं। ये नया साल हमारे लिए नए खुशियाँ, नए उमंगे और नई उम्मीदें लेके आता है और हम इस पे नई नई आशाएं रखते हैं, जैसे हम इस साल क्या करने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं और किस फील्ड में, हर फील्ड में नया करने वाले हैं, पढ़ाई में ध्यान देने वाले हैं और हमारा कुछ सपना होता है, उस सपने को सोच के हम आगे बढ़ते हैं और फिर आशाएँ होती हैं, हमारी उम्मीदें होती हैं तो उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। थिंकिंग को निकाल के पॉजिटिव थिंकिंग और एनर्जेटिक बनते हैं और अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे, नहीं मतलब फिर भी कोशिश करते हैं, हमारी कोशिशें रहती हैं कि हम कुछ अच्छा करें, अच्छे मार्क्स लाएं और सब कुछ अच्छा करें ताकि फैमिली वाले भी खुश रहें, सब कुछ अच्छा हो पूरा साल। इसी वर्डों के साथ हम बोलना चाहते हैं सबको हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।